Auzubillahi minashaitwanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Happy to see so many lawyers sitting here. और मैं जब देख रहा था तो हम तो सारी उम्र टेररराइज रहे, वुमेन अपना मदर इन लॉ से अब वुमेन इन लॉ भी आ गई हैं, वेलकम जी. और निदा उस्मान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, द वर्क दैट शी इज़ डूइंग इज़ रिमार्केबल. मैं सिर्फ तीन चीज़ें कहूँगा, क्योंकि जब हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, शहबाज साहब का जब टेन्योर था, तो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 33% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ख्वातीन के लिए रखा. और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है लेजिस्लेशन से लेके, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल था, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर पहले सेंटर का क़याम था, चाहे वो वुमेन ऑन व्हील्स, मतलब हमने मतलब एम्पावरमेंट की जब बात करें, तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट दैट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज डिप्टी स्पीकर. और हमने एक स्टडी करवाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि वो बच्चियाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो उनकी प्लाइट क्या है. और उसमें मेजॉरिटी बच्चियों ने ये कहा कि अगर हम वट एवर हैपन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम शेयर करें, तो हमें हमारे घर वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दें. और दैट वाज द विजन जिसके ऊपर वेमेन ऑन व्हील जो है वो स्टार्ट हुआ. आज आई एम हैप्पी टू से दिस के मोर देन 5000 बच्चियाँ जो हैं उस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं एंड दे आर यूजिंग दिस. और अब हम अब जब दोबारा आए हैं तो मैं एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम स्कूटीज़ जो स्कूल की टीचर्स हैं, वी आर प्रोवाइडिंग स्कूटीज़ टू देम. और ये हम एक पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. अगेन दिस इज़ रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन. और मैं समझता हूँ कि आप, हम वैसे तो बड़ी बात करते हैं, आप साथ इंडिया को देखें तो वहाँ पर जो ख्वातीन हैं और जिस तरह वो स्कूटीज़ को यूज़ करते हैं और जिस तरह वो सारा, तो इंशाल्लाह ताला इस पायलट प्रोजेक्ट को भी हम अगले बजट के अंदर लेकर आ रहे हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं. एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूं कि लास्ट टेन्योर के अंदर ही भी, जब मैं उस वक्त भी एजुकेशन मिनिस्टर था, तो हमने देखा कि रिटेंशन जो स्कूलों के अंदर कम होती है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न नज़र ये आई कि इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट कन्वेंस का प्रॉब्लम. हमने दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको टारगेट किया, साउथर्न पंजाब के अंदर मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर पे, और वहाँ पे हमने लड़कों को साइकिलें दी. हमने पायलट प्रोजेक्ट किया और हमने कोई 84 स्कूल्स के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लड़कों को साइकिलें दी कि आप साइकिल पर जो है स्कूल आया जाया करें. तो एक दिन मैं स्कूल में गया, लड़कियों का स्कूल था, वो बच्चियाँ इकट्ठी होकर आ गई कि हमारा क्या कसूर है, आप लड़कों को साइकिलें दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं साइकिल्स दे रहे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6वीं 7वीं और 8वीं की बच्चियाँ. तो मैंने कहा कि तुम लोग मुजफ्फरगढ़ और यहाँ पे तुम लोग साइकिलों पे जाओगे. उन्होंने कहा कि जी, जो उधर के सोशल टैबूज एंड थिंग्स लाइक दैट, उन्होंने कहा कि आप हमें साइकिल्स तो दें, हम बिल्कुल जाएंगे. वी स्टार्टेड दैट प्रोग्राम इन 14 स्कूल्स. और अब वापस आके मैंने जब उन स्कूलों का डेटा मंगाया, तो वो बच्चियाँ जिनको साइकिल्स दी गई थी, उनमें से 92% बच्चियाँ कॉलेज तक गई. तो दिस इज़ एम्पावरमेंट. और इतनी खुशी होती है देख के. और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, पंजाब के अगेन साउथर्न पंजाब के 16 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया. वहाँ पर है कि बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, लड़कों को स्कूल भेज दिया जाता है, बच्चियों को कहा जाता है कि खर्चा है तो तुमने स्कूल नहीं जाना. हमने जेवर तालीम के नाम से 2000 रुपया, वी स्टार्टेड विद 1000 रुपीज़, 6 लाख बच्चियां जनूबी पंजाब की, हमने उनको ये स्टाइपेंड, गर्ल्स स्टाइपेंड जेवर तालीम के नाम से देना शुरू किया और इसको फिर 2000 कर दिया. आज पंजाब के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर 1,54,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50% से ज़्यादा जिसमें अब तादाद बच्चियों की है. तो आज ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए, इसकी वजह से बच्चियों की तादाद में इजाफा हुआ. और वहाँ पर जो स्टोरीज हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज मैं आखिरी सिर्फ आपसे एक शेयर करूंगा कि दानिश स्कूल हासिलपुर, अब हासिलपुर अगेन फार फ्लंग एरिया इन साउथर्न पंजाब, वहाँ पे हमने दानिश स्कूल बनाया. वहाँ का क्राइटेरिया दानिश स्कूलों का ये है कि उस ज़माने में जब शुरू किया था कि वो वालदैन जिनकी तनख्वाह 6000 से कम है या कमाते 6000 से कम है या यतीम बच्चे, उनको हम दानिश स्कूल्स में लाए. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नासा ने
एक कंपटीशन कराया और उस कंपटीशन के अंदर दुनिया के 137 मुल्कों ने हिस्सा लिया और उसमें यह था कि हर मुल्क अपने मुल्क का कंपटीशन करता था और उसका टॉपर फिर नासा के लिए जाता था। पाकिस्तान में जो कंपटीशन हुआ उसमें दानिश स्कूल हासिलपुर की 3 बच्चियों ने टॉप किया, जिसमें लम्स ये बीकन हाउस भी था, एलजीएस भी था, यू नेम इट, तमाम जो एलीट हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल सिस्टम, सब ने हिस्सा लिया, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सबका। हासिलपुर की बच्चियां फर्स्ट आई। वासा ह्यूस्टन के अंदर वो नासा के अंदर ये कंपटीशन हुआ और वो पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे आई। और वो जो 5वें नंबर पे आने वाली बच्चियां थी, एक बच्ची के वालिद साहब छाबड़ी लगाते थे, एक बच्ची के वालिद साहब जो हैं उनका खोखा था, एक बच्ची यतीम थी। और आज वो तीनों बच्चियां जो हैं वो नस्ट के अंदर हैं। तो ये है जो आप प्लेटफॉर्म देते हैं, एम्पावर करते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कमिंग टू दिस वुमेन इन लॉ प्रोजेक्ट के अगेन, जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, 90s के अंदर, तो उस वक्त बहुत कम तादाद होती थी। और मेरे वालिद साहब मुझे, मतलब मैडम बैठी हैं नासरा जावेद साहिबा, तो मुझे मेरे वालिद साहब जो हैं एज सेक्रेटरी जावेद इकबाल साहब के साथ हाईकोर्ट बार में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, तो उस उनके ज़माने में भी बहुत कम, क्योंकि हम तो देखते रहते थे ख्वातीन बहुत कम होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि अगर आप लॉ कॉलेजेस के अंदर देखें, आप अगर वैसे देखें कोर्ट्स के अंदर देखें, तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद आ भी रही है और उनको आगे आने के मौके भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई एम पर्सनली सैल्यूट टू निदा एंड हर टीम के माशाल्लाह जिस तरह यू पीपल आर डिलीवरिंग, एंड वट एवर वी कैन सपोर्ट यू, हम इधर हैं। हमारा एक और भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि सियासी जमातों में ये कल्चर अल्लाह के फजल से अगेन PMLN ने इंट्रोड्यूस कराया कि हमने अपना पहला रिसर्च एंड प्लानिंग यूनिट बनाया। उसकी जो हेड हैं सारा इफ्तिखार यहाँ पर बैठी हैं, उसमें निदा भी हमें सपोर्ट करती रहती हैं, यहाँ पर रांझा साहब भी मौजूद हैं, सुल्तान रांझा साहब। तो ये जब तक आप रिसर्च को किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगेन हम लोग हाजिर हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, व्हाटएवर सपोर्ट यू नीड वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच।